किसी को भी अल्लाह ताला अपनी बहन बेटियों को इस तरह दुनिया के सामने लेके ना आने दे। बस तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम होने वाला है तो काम शाम। अम्मी जान जो है वो झाड़ू लगा रही है। और शाजिया आप क्या कर रही हो? सामान पड़ा हुआ है ना उसको समेट रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और आशा बेटी को देखिए, ओ कंघा लगी बेटी है। अभी आशा बेटी ने ना कंघा लगाया हुआ है। अभी अम्मी जान जो है वो झाड़ू लगा रही है क्योंकि आज ना वीडियो मैं बना रही हूँ। हाशिम की तबीयत सही नहीं है तो हाशिम इधर सोए हुए हैं। आपको मैं चल के दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं हो रहा मुझे, ठीक है बस। हाँ इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। शाजिया कोई दवाई वगैरह ले आओ इसे दें। इसे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं हुआ, आप जाओ वीडियो बनाओ। बहुत ज्यादा तेज बुखार है। हाँ। कोई दवाई भी नहीं ली इसने तो सुबह से। मैं कहती रही हूँ इसे कि आपको बुखार होने नहीं। ये बात मेरी मानता है कब है? सर में बहुत दर्द है, जिस्म में इतना शदीद दर्द है। तो कोई दवाई लेना आप। शाजे इसे पकड़े, मैं खुद दवाई लेकर आती हूँ। सेल भाई को कहना जाके आपकी दवाई ले आए। नहीं बस ऐसे ही मैं लूंगा, ठीक हो जाएगा। इन गोलियों से कैसे ठीक हो जाएंगे आप? हो जाएगा। तो बस अभी ना मैं हाशिम को कह रही हूँ कि आप जाकर सेल भाई को कहें दवाई ले आए। तो ये बात मेरी नहीं मान रहे तो अभी शाजिया गोलियां लेने गई है। शाजिया दिखाना ये क्या लेकर आई हूँ। इधर दिखाना, मुझे दिखाना। ये अब्बू जी हकीम वाले गोलियां लेकर आते इतनी हैं ना। सारी देंगी आप? हाँ इतनी सारी खाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। आप पकड़े, मैं खुद देती हूँ। इतनी सारी नहीं देनी यार, इतना तेज बुखार है, इतनी गोलियां देनी है? इतनी सी गोलियां देनी है बस। ये ले हाशिम। कितनी है ये? बहुत ज्यादा शादियां नहीं ले ली। हाँ बस चोट लगी है। आशा बेटी को देखें कैसे अम्मी के साथ खेल रही हैं बहुत ज़्यादा। और रिमशा जो है अभी बर्तन धोने जा रही है। जी मैं बर्तन वगैरह जो है वो धो लेती हूँ, फिर आप जो काम है वो करें। हाँ मेरे तो काफ़ी सारे काम जो है वो पड़े हुए हैं, आप तो अपना काम समेट रही हैं। अभी जाएं आप बर्तन धोएं। जी मैं अभी काम कर रही हूँ तो आप वीडियो बना रहे हैं। जब आप काम करेंगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी क्योंकि पहले हमें वीडियो की टेंशन नहीं होती थी। हाशिम जो है वो वीडियो बना लेते थे। हाँ। तो अभी वीडियो भी साथ बन जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, हम व्लॉग भी साथ बना लेंगे और साथ में काम भी करेंगे। तो अभी रिमशा इधर बर्तन जो है उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, अभी धोने के लिए बैठी हुई हैं, बैठने लगी हैं। तो अभी मैं जो है मेरा काम काफ़ी सब पड़ा हुआ है तो मैंने वो भी करना है। हाँ, मैं भी करता हूँ। और इधर से मुस्तकीम भी आ गया है। आज आप पढ़ने क्यों नहीं गई? आज छुट्टी है। छुट्टी है? ओ जारा के काम देखें, ये खेलने गई है तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो है अपने पाँव पे जख्म कर लिया है। ये देखें, हाँ बहुत ज्यादा। ये क्या किया है आपने?
इधर दिखाओ। हाँ बहुत ज्यादा जख्म है, ये देखिए। अब किधर जा रही हो? सब बर्तन जो है मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो अभी बर्तन मैं धो लेती हूँ। ये देखिए, ये सब बर्तन जो है इकट्ठे कर लिए हैं। चलिए इधर मोबाइल पकड़े आप, मैं बर्तन धो दूँ। आप तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं कब करूँगी? मैं अभी आप भी कर लेना, क्योंकि फिर आपको देगी ना, रोने लगेगी ना, इसलिए मैंने जो है, आपकी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी जो काम खत्म कर लूँ। घर में मेहमान भी है, और सालन भी बनाना है, और रोटियाँ भी बनानी है, और काफ़ी सारे काम जो है मेरे तो पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ? कर लेंगे, आज पूरा कर लेंगे। और मुस्तकीम को कहो दूध तो ले आए। हाँ वो अभी जाएगा, दूध नहीं सुबह मैंने दो बार जो है बर्तन धोए थे, तो घर में बच्चे हैं ना, इसलिए सब खराब कर लेते हैं। हाँ, एक एक मिनट के बाद तो हाँ चीज़ें बनते हैं ना, फिर खराब हो जाते हैं। कभी चाय बना लेते हैं, कभी कोई चीज़ बना लेते हैं, फिर इसलिए खराब हो जाते हैं, फिर धोने पड़ते हैं। सिखा और भी मेहमान जो है वो भी आ रहे हैं, तो ठीक है। तो अभी रिमशा जो है बर्तन धो लेती है, तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ, तो फिर और मेहमान भी हमारे आ गया है माशाल्लाह से, तो अभी और मेहमानों की खिदमतदारी करनी है। और मेहमान जो है हम ही नहीं छोड़ते, ऐसे नहीं कभी शादी, वो अपना नसीब लेकर नहीं, मतलब सब दिन को काम करते करते हुए जो है वो थक जाता है, और ऊपर से मेहमान जो है वो भी आ जाते हैं, लेकिन थका नहीं देते, खुशी होती है दिल से काम करते। वैसे तो जब घर में आए मेहमान तो वो अल्लाह ताला की रहमत होती है, ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप मेहमानों से क्या जाती है। मैं अभी घर से निकला हूँ, मैंने सोचा है कि बाहर जाऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा, तबीयत इतनी ज़्यादा अपसेट है। और मुझे बुखार हुआ क्यों है जी यार, बहुत डर लगता है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। रात मुझे ख्वाब आया, और इस वजह से ना मैं सोच के मेरी ये हालत हो गई है। मैंने किसी को आज तक तकलीफ नहीं दी, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, और
कोई भी खुशी से अपनी बहनों माओ बहनों को वीडियो में नहीं लेके आता, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और अल्लाह ताला माफ़ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। मुझे बंदों का कोई खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। मैं ये काम इंशाल्लाह छोड़ दूँगा, वीडियो में खुद आया करूँगा, किसी को लेके नहीं आऊँगा। मैं इधर बाहर आया था और मुझे लगा था कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, लेकिन नहीं, अभी मगरिब हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ और आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं किसी को भी अल्लाह ताला अपनी बहन बेटियों को इस तरह दुनिया के सामने लेके ना आने दे।